आपको ग्राफ दिखा देते हैं। इस ग्राफ से आप समझेंगे कि लोगों की राय 2022 से लेकर 2023 के बीच में कैसे बदली है। पहले 56 फीसदी मानते थे, माफ कीजिएगा, कि सरकार ने भ्रष्टाचार को रोका है, फिर 51 फीसदी पर आया, फिर बढ़ के ये ग्राफ अब 53 फीसदी पर हो गया है। तो अगला जो हमने आपको आंकड़ा दिखाया वो अब दिखा देते हैं। ये वही है जिसमें नहीं कहने वालों का ग्राफ आप देख रहे हैं। पहले 37 फीसदी थे, फिर 40 हुए और फिर 41 फीसदी हुए, जिनका कहना है कि नहीं, भ्रष्टाचार पर ये सरकार काबू नहीं पा पाई है। भ्रष्टाचार पर काबू में सक्षम कौन, जब ये सवाल हमने देश की जनता से पूछा मूड ऑफ द नेशन सर्वे में, तो सबसे पहले देखिए जनवरी 2023 की ये जानकारी, जिसमें केंद्रीय एजेंसियां कह रही हैं 41 फीसदी जनता, लोकपाल 15, अदालतें 28 फीसदी, 16 फीसदी कह नहीं सकते। ये जनवरी का है आंकड़ा। अगला आंकड़ा हम आपको दिखा देंगे इससे पहले का, अगस्त 2022 का, जिससे आप ये समझ पाए कि लोगों का भरोसा बढ़ रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या सरकार से छिटक रहा है उनका कॉन्फिडेंस। तो जब हमने अगस्त में ये सवाल उनसे पूछा था, तो हम आपको दिखा रहे हैं जनता ने क्या कहा। नेताओं पर ईडी के जो मामले हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, इसको गौर आप लोग सभी देखिएगा। 2004 से 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस पर 5 मामले, बीजेपी पर 3, 7 टीएमसी पर 7, ममता बनर्जी वाली पार्टी, और बीएसपी पर 2। तो ये 2004 से 14 जब यूपीए की सरकार थी, बीजेडी पर 1, और इसी के साथ आप देख रहे हैं वाईएसआर कांग्रेस और डीएमके 1 और 4। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वो एरा है जब यूपीए की सरकार थी, तो उन्होंने किस पर सबसे ज्यादा एक्शन लिया है, आपने देखा टीएमसी पर, ममता बनर्जी की पार्टी पर ईडी ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की थी 2004 से लेकर 14 में। 5 कांग्रेस वालों पर भी कार्रवाई हुई थी और उसी के साथ 3 बीजेपी वालों पर भी कार्रवाई हुई थी। नेताओं पर ईडी के जो मामले हैं 2014 से अब तक आते हैं मोदी सरकार पर, कांग्रेस 24, बीजेपी और सहयोगी 6, टीएमसी 19, एनसीपी 11, डीएमके 6, बीजेडी 6, आरजेडी 5, बीएसपी 5, एसपी 5, टीडीपी 5, आम आदमी पार्टी के 3, शिवसेना 8। तो ये आपको दिख रहा है कौन सी पार्टी के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है। आईएनएलडी के खिलाफ भी 3, बीआरएस 1, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2। नेताओं पर ईडी का एक्शन अब हम आपको बता रहे हैं कि ईडी का एक्शन क्या क्या अभी तक हुआ है नेताओं पर। तो सबसे पहले मोदी सरकार में बीजेपी और सहयोगियों पर, यूपीए में 3 हुआ था, मोदी सरकार में 6 हुआ है। कांग्रेस पर 5 मामले हुए थे, अब मोदी सरकार में 24 हो गए कांग्रेस पर। आप ग्राफ का राइज देखिए, 5 से सीधा 24। उसके बाद आइए टीएमसी पर, 7 हुए थे और मोदी सरकार में 19, लगभग 3 गुना का जंप है। डीएमके मोदी सरकार में 6, यूपीए में भी 4 था। बीएसपी 2 यूपीए सरकार में, 5 मोदी सरकार में। एक बार डायग्राम जल्दी से आपको दिखा देते हैं, 2004 से 2014 में कितने मामले हुए थे और पोस्ट मोदी सरकार 14 से, ये देखिए बार 112 मामले ईडी का छापा पड़ा था पहले 112, अब ईडी 14 से लेकर 22 के बीच में 3010 ईडी के छापे मार चुकी है। और जो आखिरी आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये दिलचस्प आंकड़ा है। पीएमएलए के तहत, मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो मामले दर्ज हो रहे हैं वो आप देखिए 14 से कैसे उसमें इजाफा हुआ है, 178 से 111 से 200 से 148 से 195, 562, 981 और अब 1180 पीएमएलए एक्ट के तहत ये मामले दर्ज हुए हैं।